मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, एक फूल, एक पुष्प जिसको हमने शहीद के चरणों में चढ़ाया, उस पुष्प की अभिलाषा क्या है? आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा सुनी होगी, पढ़ी होगी, नहीं तो आप पढ़ लें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को डर जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर थे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर पिछड़ा हूं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने भी रहने, जिस पथ जाने भी रहने। एक फूल भी तभी अपने सुगंध को महसूस कर सकता है। उसकी कामना देखिए कि नहीं तो सम्राटों के सौ पर मुझको डाला जाए और नहीं देवताओं के सिर पर, नहीं तो किसी के गले में माला बनने के लिए मैं बिंधना चाहता हूं और नहीं किसी के आभूषण का माध्यम बनना चाहता हूं। कामना क्या है कि जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने लोग जाएं, उस रास्ते पर मुझे डाल दे, उस रास्ते पर डाल दे। यह कामना हम सभी के दिल में, आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने जवान बेटे की श्रद्धांजलि सभा में आया हुआ है, तो ये आंसू है, आंसू है। लेकिन दूसरी तरफ गर्व की अनुभूति भी है, गर्व की अनुभूति भी है। आते रहे वो याद भुलाने के बाद भी, आते रहे वो याद भुलाने के बाद भी, जलता रहा चराग बुझाने के बाद भी। कुछ चराग ऐसे होते हैं कि बुझ भी जाए शरीर से, बाकी शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा की लौ हमेशा जलती रहेगी। इसलिए इस अवसर पर मैं समझ सकता हूं, लेकिन दो मिनट अपने विद्यार्थियों को संबोधन के लिए श्री राजकुमार भदौरिया सर से निवेदन करूं, दो मिनट, उसके बाद हम लोग दो मिनट मौन रख करके इस श्रद्धांजलि सभा को, चूंकि सर को जल्दी जाना है, समाप्त करेंगे। सर दो मिनट आप। मैं पिता की तरफ से क्या कहूं, मैं क्या कहूं। माँ की आंखें तक रही थी बेटा मेरा कब आएगा, माँ की आंखें तक रही थी बेटा मेरा कब आएगा, बहना देख रही थी रास्ता भैया साथ क्या लाएगा। सारे अरमान एक समाचार, एक संदेश टेलीफोन पर मिलता है और धरे के धरे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं, मेरे पास इन आंसुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है देने को, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सोचो तुम्हारी तरह जवानी के सपने उसके भी होंगे, तुम्हारी तरह उसके भी हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन उसी जवानी के सपने उसी हंसी खेल के दिन को कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान कर जाता है।
बाकी सब कुछ महसूस करने की चीज है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम सभी 2 मिनट मौन धारण करेंगे और उसके बाद यह सभा आंसुओं के साथ समाप्त होगी। 2 मिनट हम सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ करके मौन धारण। आपको बहुत आवश्यक काम से निकलना है, आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और इस अमूल क्षण हमारे दिलों में थाती बनकर रहेगी। धन्यवाद।